बोले भारत माता की, भारत माता की, हर हर नारा वादे। मेहरवानी ब्लॉक मां नर्मदा जी के तट में और इस पावन भूमि में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जतना और दीदी बैठे नहीं कर भाई और तुहार लड़कन के मामा हमार सौभाग्य है कि आज हमार बीच में स्वागत करता हूं। एक बार दोनों हाथ उठा के थोड़ा ताली बजा के स्वागत करो भाई जनता। और वो जानबाज भारतीय जनता पार्टी सैपुरा विधानसभा क्षेत्र के ये चारों जामबाज मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्रा, सुशील राय जी, वीरेंद्र साहू जी, ये सब आ रहे भाई, कठवाहा जी आके मंचा सीन हुए। मोर भाषण तो सब लोग सुना रहा था ना, देखा के हर गांव में आवाज उठा जरा समझी खाए हो भाई साहब। तो एक एक फोन कार के मन में रटा के हो जनता के बीच में दो महीना से घूम रहे हो। सरकार बन गए तब तो एक ठन प्रार्थना है, पूरा धरना भाटा जमीन है, उपजाऊ जमीन ही नहीं है। आदमी दशहरा के बाद जो भी कोटो कुटकी नूल के और घर तकवारी ला गाय बैला सियान आदमी के रखवारी करेला एक एक घर रखे बाकी काम करेला सब बाहर भग जाते जिए कहला ऐसे है कि नहीं। मोर प्रार्थना है हमारी यह सिलगी नदी और नर्मदा नदी है उसके किनारे की सारी कछार है। मोर मुख्यमंत्री आदिवासी के लाने सिंचाई फ्री कर दी से 5 हॉर्स पावर के पंप। अरे फ्री तो ऐसे लेकिन सींचो कैसे, नदी किनारे जहां पानी है तहां बिजली नहीं है ना। तो वही मैं मांग करता हूं कि नदियां किनारे किनारे पे बिजली लगाए दे, हम जी रहा हूं ठीक है ना भाई। और मोरी है देवरगढ़ बांध है, पूरा पानी झड़प के जाता है, यहाँ से छोटे छोटे बांध है। मैं प्रार्थना करता साहब कि कछु नहीं कर बेटा है, खेत में अगर मोर पानी मिल गए हम लोग सब जी जाबो, बाकी तोड़ दया से सब काम है इसे हमारे। देवरगढ़ बांध और जितना बांध है पूरा पानी झड़प के भक्त है, किनारे किनारे पक्का नहर हो जाए और आखिर खेत तक मोर पानी पहुंच जाए और नदी किनारे और बांध के किनारे बिजली के खंभा लग जाए और दिन छूट दहस तेन में हम खुद सींच के दिल को अपना प्रार्थना करते हुए। और दीदीन के भाई, लैकन के नातिन के मामा और किसानन के सम्मान निधि देने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री ला मैं आमंत्रित करता हूं। एक बार सब लोग खड़े होकर ताली बजाए के आमंत्रित करो भाई आपको।